हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन काली मिर्च, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 7 से 8 लगभग बड़े साइज़ के अनियन को तेल में फ्राई कर रहे हैं हम लोग। सिंपल अभी सरसों के तेल में फ्राई कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे चिकन जो है 2 किलो के वज़न का है, उसमें अभी मैंने जो है अदरक लहसुन ग्रीन चिली का पेस्ट, थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि काली मिर्च है तो उसमें काली मिर्च का टेस्ट थोड़ा ज़्यादा है जो कि गरम मसाले में मिला हुआ है। एक एक स्टेप देखिएगा किस तरह से बनता है। इसी स्टेप के साथ में प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है, अभी थोड़ा सा और बाकी है। हल्का सा और अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाए तब तक हमें इसको भूनना है। और यहाँ पे हमारे जो दही के साथ में लास्ट में दही ऐड करा है, तो लगभग इसमें 400 ग्राम की जितना दही 2 किलो में गया है। मसाले आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। इस तरह का इसका कलर रहता है काली मिर्च वाले का। तो अभी मैरिनेट ये होगा लगभग आधा घंटा, जब तक हम लोग अभी प्याज भूनेंगे और प्याज के साथ में बाद में इसमें मिक्स भी होगा। एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है चिकन काली मिर्च बनाना। तो अच्छे से थोड़ी देर वेट करने के बाद प्याज भी हमारा देखिए ब्राउन हो चुका था। थोड़ी देर हम लोगों ने वेट किया, उसके बाद अभी भी चिकन ऐड किया है, जो हमारा मैरिनेटेड चिकन था उसको इसी प्याज और ऑयल में ऐड कर दिया है। चिकन के अंदर पहले सारे फ्लेवर्स मौजूद हैं। नींबू का रस भी मैंने इसमें डाला था लगभग 2 चम्मच। तो इस तरह से अब हम इसको भूनते रहेंगे बीच बीच में। अब इसमें कुछ भी मसाला नहीं जाना है क्योंकि हम सब ऐड कर चुके हैं सब कुछ। तो अब ये जो है धीमी आँच पर हम लोग पकाएँगे, जब तक ये अच्छे से पक ना जाए, गल ना जाए, सारे मसाले जो है अच्छे से भुन ना जाए, तब तक हमें बीच बीच में चलाते हुए पकाना है। चलाना बहुत हल्के हाथों से है, बिल्कुल भी चिकन जल्दी पक जाता है तो टूटने लगता है, इस बात का ख्याल रखना है। ये देखिए कितना खूबसूरत ये अभी लग रहा है। तो उसी तरह से हम लोग जो है चिकन काली मिर्च धीरे धीरे बनाएंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे किस तरह से बन के तैयार भी हो जाएगा। एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में चलाते रहना है इस तरह से। अभी इसका खुद का ही पानी इतना छूटेगा कि मुश्किल है, हम लोग को ऊपर से थोड़ा बहुत भी पानी डालना पड़े, ज़रूरत पड़ेगी तो ही डालेंगे वरना नहीं डालेंगे। बीच बीच में ऐसे इसको चलाते जाना है, भूनते जाना है, पकाते जाना है। बस देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है, धीरे धीरे पकता जाएगा, इसका कलर अपने आप चेंज होता जाएगा। तो ये देखिए चिकन का कलर किस तरह चेंज हो रहा है, अब वो धीरे धीरे भुनना शुरू हो गया है। देखिए कितने अच्छे अच्छे ब्राउन मार्क्स आ रहे हैं इस पर, जैसे हम लोग तंदूर वगैरह करते हैं, तंदूरी बनाते हैं या टिक्का बनाते हैं, जब इसमें इस तरह के ब्राउन मार्क्स आते हैं। बैकग्राउंड की आवाज़ों पर मत जाइएगा, यहाँ तो शोर होता रहता है। तो ये आप इस डिश पे जो है कॉन्सेंट्रेट करिएगा। ये देखिए कितना प्यारा धीरे धीरे लगता जा रहा है। मैं हर बार इसलिए इसका कलर आप लोग को दिखा रही हूँ, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो ये देखिए कितना अच्छे से और अच्छे से भुन गया है। इसको लगभग जब से मैंने जो है 15 से 20 मिनट खुले में ही मैं लो फ्लेम पे इसको भूनती जा रही हूँ। बीच बीच में चेक नीचे करना पड़ता है, दही है ना, दही चिपकने बहुत जल्दी लगता है, तो दही का बहुत ख्याल रखना है। बीच बीच में आपको हमेशा 3-3, 4-4 मिनट पे थोड़ा थोड़ा सा चलाना है, नहीं तो वो चिपक जाएगा और फिर वो बाद में जलने जलने जैसी स्मेल आती है। कलर आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया सा, और साइड में देखिए ऑयल छूट गया है, बहुत अच्छे से भुनाई हो रही है। 70% ये कुक हो चुका है, 30% बाकी है। अभी अकॉर्डिंग टू नीड, अगर ज़रूरत लगी थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा ही लिपटा लिपटा बनता है क्योंकि इसका पानी ऑलमोस्ट गायब होने को आया है। ये देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है, मसाला एकदम अच्छे से भुन रहा है। अभी मैंने हल्का सा चखा कि देख लूँ कहीं नमक वमक कम ना हो, तो एकदम सही है सब कुछ। आप लोग अपने फैमिली के टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले ऐड करिएगा, कोई बाउंडेशन नहीं है, जितना हमने डाला उतना ही आप भी डालें। तो ये देखिए कितना अच्छा इसका टेस्ट आ रहा है। वैसे ये डिश जो है बड़ी दीदी बनाती हैं, उन्हीं की स्पेशलिटी है ये,
उनका भी अपना चैनल है प्रीति की लाइफस्टाइल, सर्च करिएगा मिल जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा भी अगर अभी तक ना किया हो तो कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। कलर इसका देखिए, पास से मैं दिखाती हूँ अच्छे से, ये देखिए इतना अच्छा कलर आ रहा है। अभी इसमें हल्का सा पानी हम लोग ऐड करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा और भून ले इसको, 5 मिनट और भूनेंगे। जितनी स्लो कुकिंग, अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ी स्लो कुकिंग करिए, टाइम ज़रूर लगता है लेकिन टेस्ट बेहतरीन आता है। अभी आप लोग देख रहे हैं हल्का हल्का सा प्याज दिखाई दे रहा है, अभी ये गायब हो जाएगा, एकदम स्मूथ ग्रेवी हो जाएगी हमारी। तो बहुत अच्छे से भुन चुका है हमारा जो है चिकन और मसाला भी। अब इसमें पानी ऐड करेंगे क्योंकि पानी बिल्कुल गायब हो गया है और एकदम से पका नहीं है अभी, और थोड़ी सी चाहिए ग्रेवी भी, तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो लगभग यहाँ पे 1 से 1.5 गिलास के जितना पानी डाला है, क्योंकि चिकन की क्वांटिटी भी ज़्यादा है, 2 किलो के वज़न के जितना है, और मसाला भी बहुत अच्छे से है। इतना 1.5 से 2 गिलास पानी तो आराम से बनता है, क्योंकि अभी ये उसके साथ पकेगा, पानी रिड्यूस होगा, कम हो जाएगा, लिपटा लिपटा सा चाहिए वैसा हमें मिलेगा। तो अच्छे से इसको पानी के साथ मिक्स कर लेते हैं। ये देख सकते हैं मसाला साइड में लगा हुआ है, बीच बीच में इसको भी इस तरह से अपना जो है चम्मच से इस तरह से हटा के ऐड कर लिया कीजिए मसाले में। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, जो खुरचन टाइप का होता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, कभी भी ट्राई करिएगा। बस बहुत ज़्यादा जला हुआ ना हो। देखिए पानी बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये देखिए कलर अभी कितना प्यारा आ रहा है, जबकि इसमें कोई लाल मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है, फिर भी इसका कलर देखिए। चिकन की बहुत ही ज़्यादा यूनिक और टेस्टी डिश होती है, इस तरह से भी कभी ट्राई करिएगा चिकन। वैसे तो अब तक मैं बहुत सारे चिकन की रेसिपी जो है बना चुकी हूँ, मैं सारे नॉनवेज की रेसिपी एक प्लेलिस्ट में अलग से कर देती हूँ, आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं। ये देखिए इसको बहुत अच्छे से और हल्के हाथों से हमें मिक्स करना होता है, सारे पीसेस जो है साबुत रहें, मिक्स भी हो जाए, मसाला कोट भी हो जाए, देखने में भी अच्छा लगना चाहिए खाने के साथ साथ। ये देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है, कहीं कहीं इस तरह के ब्राउन मार्क्स आए हुए, इतना प्यारे लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है हमने चिकन को तंदूर किया है उसके बाद ग्रेवी में डाला है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा इस तरह से। अभी इसको हम आराम से 10 से 15 मिनट और पकाएंगे, अच्छे से होने देते हैं, फ्लेम लो टू मीडियम है। तो यहाँ पे हमारा जो है चिकन काली मिर्च एकदम तैयार हो गया हल्की सी ग्रेवी के साथ में। ये देखिए इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने अपने चिकन काली मिर्च को डिश आउट कर लिया है हल्की सी ग्रेवी के साथ में। वैसे आप चाहें तो इसको एकदम ड्राई भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है, ड्राई बनाने के लिए पानी ज़्यादा ना डालें। तो ये देखिए फिर कितने अच्छे से मैंने डिश आउट भी किया हुआ, एक एक पीस बहुत अच्छे से गल गया है, मसाला भुन चुका है, आप भी बना के देखिएगा। चलिए फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हो तो प्लीज़। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।